ग्रेटर नोएडा के शारदा विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च के मनोरोग चिकित्सा विभाग के द्वारा साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली एनसीआर से आए 250 राष्ट्रीय स्तर के मनोचिकित्सकों के साथ साथ बड़ी संख्या में मेडिकल के छात्रों ने हिस्सा लिया। सेमिनार में देश के जाने माने विशेषज्ञों द्वारा पुरुष मनोवैज्ञानिक विकार, यौन विकारों में भारतीय इतिहास का योगदान, पोर्नोग्राफी, पैराफिलिया सेक्स और हस्तमैथुन की लत, आम यौन मिथक और उनके स्पष्टीकरण का साइकोसेक्सुअल क्लिनिक से निवारण, यौन स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता, मनोवैज्ञानिक विकारों में मेटाबॉलिक की भूमिका और सामान्य अस्पताल में मनोवैज्ञानिक विकारों में रेफरल पैटर्न विषयों पर चर्चा की गई। यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से विशेषज्ञ आए हुए हैं साइकेट्री के जो है। हम यहाँ पर एक बहुत ही गंभीर कॉमन पर जिसके लिए लोग आगे बढ़ के नहीं आते हैं वो समस्या डिस्कस कर रहे हैं, साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर्स। दुनिया भर से लोग जो है इस चीज़ से परेशान है और इसके इलाज के लिए यहाँ वहाँ जाते हैं, सड़क छाप डॉक्टर के पास जाते हैं, अलग अलग एड्स पढ़ के अपने आप दवाइयाँ खाते हैं, समझते नहीं हैं कि मधुर संबंध बनाने के लिए क्या ज़रूरी है। तो एक बहुत ही डॉक्टर कुणाल जो ऑर्गेनाइजिंग चेयरपर्सन है, उन्होंने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है, काफ़ी डॉक्टर्स को इकट्ठा करके इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। नाउ कमिंग टू व्हाट आर साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर, एनीवन क्या आप समझते हैं फ्रॉम द स्टूडेंट्स? आखिर साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर होता क्या है, यही सवाल जब हमने एम्स में मनोचिकित्सा विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर प्रभु दयाल से पूछा तो उनका जवाब था, मेनली साइकोसेक्सुअल का मतलब ये है कि जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं जिसके अंदर दो एस्पेक्ट होते हैं, एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है, दूसरा होता है फंक्शनल और मेडिकल कॉजेस, जिसके अंदर कई कई तरह की बीमारियां होती है, यूरोलॉजिकल होती है, एंडोक्रिनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। यहाँ हम टोटली डिस्कस कर रहे हैं अबाउट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से सेक्सुअल डिसफंक्शन है। इसके अंदर कई मिथ हैं, मिस इन्फॉर्मेशन भी होती है कई बार, जिस स्पेशली कॉमन देखा जाता है कि जैसे धात सिंड्रोम जिसको हम बोलते हैं, लोग कहते हैं वीर्य पतला पड़ रहा है, वीर्य निकल जाता है, इस तरह की जो बीमारियाँ हैं उसके बारे में साइको एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, इसे कैसे निपटा जाए। और नई नई तरह की आजकल बीमारियाँ प्रॉब्लम देखी जाती है, जैसे आप देखते हैं इंटरनेट पे पोर्नोग्राफी वगैरह का है, उसका एक तरह से एडिक्शन की तरफ बच्चे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा समय उसमें हो रहा है। कई तरह के क्राइम भी आपने देखे होंगे समाज में, उसमें ऐसा है कि स्टडीज़ तो नहीं है अभी क्लियर कट की भाई क्राइम बढ़ाया देता है, लेकिन बहुत ज़्यादा समय जैसे पोर्नोग्राफी में है उसकी तरफ ज़्यादा समय निकाल रहे हैं, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, ये सारी समस्याएं हैं, उसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है, उनका क्या इलाज होता है। प्रिवेंशन पार्ट पे भी एस्पेक्ट हो रहा है कि सोसाइटी में कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, स्कूल एजुकेशन, स्कूल्स में किस तरह की जो सेक्सुअल पार्ट एजुकेशन है उसको इन्वॉल्व किया जा सकता है, टीचर्स को कैसे सेंसिटाइज किया जा सकता है, इन सारे एस्पेक्ट्स पे डिस्कस हो रहा है। ये बात भी निकलकर सामने आई, अगर कोई साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर से पीड़ित है और उसे सही समय पर इलाज ना मिले तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम कई बार ऐसा होता है कि लोग अपना प्रॉब्लम सालों साल लेके बैठे रहते हैं, उसके कारण उनको मानसिक तनाव अन्य तरीके के भी हो जाते हैं, वो मानसिक तनाव किसी भी रूप से निकल सकता है, उसको डिप्रेशन हो सकता है, उसको चिड़चिड़ापन हो सकता है, वो गाली गलौज पर उतर सकता है, गुस्सा उसका बढ़ सकता है, और वो गुस्सा जैसे आप जानते हैं गुस्सा किसी भी रूप में बाहर आदमी निकाल सकता है, जिससे कहीं ना कहीं क्राइम रेट भी बढ़ जाते हैं। तो मानसिक परेशानी शुरुआत किसी चीज़ से होती है और उसका अंत जो होता है, उसका रिजल्ट होता है, वो बड़े सारे रूप में निकल जाता है। तो समस्या का निदान है, अगर कोई भी व्यक्ति को ऐसी समस्या है वो मानसिक रोग विशेषज्ञ से मिलें, काउंसलर साइकोलॉजिस्ट से मिलें और इस परेशानी का निदान हो सकता है। इस सेमिनार में मुख्य रूप से यही निष्कर्ष निकाला गया कि यौन विकारों के लिए लोगों में झिझक ही इस समस्या का मुख्य कारक है, खासकर भारत जैसे देश में अभी भी लोग यौन संबंधी विकारों पर चर्चा करने से कतराते हैं, जिसके कारण छोटी से छोटी समस्या भी कई बार विकराल रूप ले लेती है। विषय जो है पहले से भी बहुत समाज में बहुत बुरी तरह से है, लेकिन कभी इस चीज़ के बारे में लोग बात करने के लिए थोड़े हिचकते थे और हिचकिचाहट के कारण ही ये चीज़ इस तरह के रोग काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और इसको किसी भी नॉर्मल
रोग की तरह देखते हुए इसका उपचार संभव है। बहुत सारे घर, इसका सोशल इम्प्लिकेशन भी है, बहुत सारे घर परिवार टूट जाते हैं इसी चीज़ को लेके। तो सेक्स यौन संबंधित जो विकारें हैं ये अच्छे से आराम से ठीक हो सकती हैं, इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर ट्रीटमेंट है। ऐसे में आवश्यकता है लोगों में जागरूकता पैदा करने की। और जैसे कि आजकल हम लोग देखते हैं कि साइकेट्रिक या मनोवैज्ञानिक जो भी इलनेस होती है इसको लेकर काफ़ी भ्रांतियाँ हैं, और भ्रांतियाँ इसलिए हैं कि समाज में या फिर हमारे जो कम्युनिटी है इसके अंदर बहुत कम अवेयरनेस है, और अवेयरनेस के लिए इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं, हम खुद इसके लिए ज़िम्मेदार हैं। जैसे कि आज हमने यह प्रोग्राम करा है अवेयरनेस के लिए साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर पे, ये प्रोग्राम हम इसके अलावा एक कम्युनिटी बेस्ड जो भी हमारे गांव है, तालुका है, वहाँ पे जाके कर सकते हैं और बहुत से लोगों को समझा सकते हैं कि ये सारी जो चीज़ें हैं इलनेस नहीं है, और इसका जो भी अगर ये तकलीफ है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है तो इसका एक उपचार हमारे पास है। रोहित प्रियदर्शन, ग्रेनो न्यूज़।